करें मेरे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो का अपडेट मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज़। आपका स्वागत है बीकानेर जालौन। जालौन से ब्यूरो चीफ संतोष कुमार सोनी की खास रिपोर्ट। जालौन की उरण नगर पालिका में देर शाम को सभा सद प्रतिनिधि की गुंडई देखने को मिली। यहां नगर के सभा सद प्रतिनिधि पालिका अध्यक्ष के साथ अमरदीप भाषा का प्रयोग किया, जिसे देख पालिका में मौजूद एक ठेकेदार ने समझाने का प्रयास किया तो सभासद प्रतिनिधि ठेकेदार की नगर पालिका में ही पिटाई कर दी। इस घटना के बाद पालिका में अंदर हड़कंप मच गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभासद पीड़ित पर मौके से भाग गए। घटना की शिकायत लेकर पीड़ित ठेकेदार भाजपा के नगर पालिका अध्यक्ष और सभासदों के साथ कोतवाली पहुंचे, लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई न किए जाने से नाराज सभासद कोतवाली में धरने पर बैठ गए। जहां कोतवाली में धरने पर बैठे सभासदों को हटाने को लेकर पुलिस की पालिका अनिल बोगड़ा और सभासदों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। मामला बढ़ता देख पुलिस ने घायल ठेकेदार अशोक सोनी को तत्काल मेडिकल कॉलेज परीक्षण के लिए भेजकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। आज मैं अपने व्यक्तिगत काम से नगर पालिका गया हुआ था। वहाँ पर अध्यक्ष जी ईओ के चैम्बर में बैठे हुए थे। मैं वहाँ पर गया तो देखा कि अध्यक्ष जी ईओ साहब और मेम्बरगण कुछ बातचीत कर रहे थे। आपस में बातचीत होते हुए नीरज राजपूत जो प्रतिनिधि हैं सभासद के, वो अग्रेसिव होकर बातचीत कर रहे थे। बातचीत इतनी तूल हुई कि वो अशब्द भी अध्यक्ष जी से बोलने लगे, अशब्द भाषा का प्रयोग करने लगे। इस पर मैंने टोका उन्हें, हमने कहा सीनियर के साथ ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बोले तुम कौन होते? हमने कहा की ये बात सही है, मुझे नहीं बोलना चाहिए। मैंने सबके सामने सॉरी कहा और मैं दूसरे कैबिन में आ गया। इसके बाद 5-10 मिनट के बाद वो बाहर निकला, क्योंकि मैं भी बाहर ही खड़ा हुआ था। जैसे ही ये बाहर आया, मुझे देख तू बहुत बड़ा गुंडा है, असल भाषा का प्रयोग करते हुए मुझे से कहने लगा तुझे यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। मारपीट करने लगा, मेरी सोने की चैन 2 तोले की लगभग 20 ग्राम की 19,600 रुपया वो छीन के जेब में बीड़ी रिकॉर्डिंग में भी है वहाँ पर लेके, और मुझे कहने लगा कि 24 घंटे के अंदर तुम्हें बीच चौराहे पर मार दूंगा, देखते हैं कौन बचाता है। असद भाषा का प्रयोग करता रहा और मुझे मारता रहा। आज हम लगभग 4:30 बजे नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे तो हमारे बीच में यू साहब और हमारे ऑफिस केबिन के बीच में एक केबिन है, तो वहाँ हम बैठे थे तो इनकी आवाज़ हमें लगा कि कोई बहुत तेज आवाज़ में बात कर रहा, तो हम ये साहब के पास गए तो बातचीत होने लगी। तो नीरज राजपूत बहुत तेज आवाज़ में बोल रहे थे, उसमें हमने कहा कि धीमी जरा मर्यादित भाषा में बात करो। हमने कहा कि बातचीत होने लगी तो हमने कहा कल हमारे जेई गए थे एक साइड नाप पे, तो तुमने उसमें क्यों व्यवधान किया कि नहीं नपने दी? तो इसमें दुनिया भर की बातें कह के या सभ्य भाषा में उतराया, तो हमने खड़े होकर कहा, हमने कहा जरा सभ्य भाषा में बोलना सीखो जरा। तो एकदम ये झपटा झपटने में ये बीच में उन्होंने वो कर लिया और सभासद भी थे तो उसमें वो हो गई। फिर हम लोग आके अपने ऑफिस में जा दिए, पुलिस को इसकी सूचना दी है, पुलिस को सूचना दी है, पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। सभासद प्रतिनिधि है और विगत वर्ष एक सवा वर्ष में उन्होंने नगर पालिका में हर कर्मचारी हर अधिकारी को इतना दबाव में और असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, ये तीसरी घटना है।